नमस्कार बहुप्रिया, आज है 9 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप क्रिकेट से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप चंदे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की तारीख बढ़ी आगे। सुशांत सिंह राजपूत को लूना सोसाइटी ने दिया सम्मान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने निकाली रिक्तियां। अब बिहार के सैटेलाइट तस्वीरों से होगी खनन और पराली जलाने की निगरानी। बिहार की दो महिला राष्ट्रपति के हाथों हुई सम्मानित। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की तारीख बढ़ी आगे। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की तारीख को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद ही अब ये परीक्षा 7 मई को होने वाली है। पहले की योजना के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल को होने वाला था, जिसमें कि 6 लाख से अधिक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। उसको लेकर बीपीएससी ने आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को समय समय पर चेक करने की अपील की है। पहले ये परीक्षा 555 सीटों के लिए आयोजित की जानी थी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 802 कर दिया गया। पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के कुल मिलाकर 11 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें ENT, बाल रोग, शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास, आघात और आपातकाल, ज्वलन और प्लास्टिक सर्जरी CTVS है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MD, MS, DM, MCH या प्रासंगिक अनुशासन में समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aimspatna.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 14 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें शराबबंदी कानून में संशोधन पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत ही शराबबंदी कानून अब और सशक्त होगा। इसके अलावा यूक्रेन में फंसे छात्रों को सरकार अपने संसाधन पर लाने का फैसला ले चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है। साथ ही बिहार कैबिनेट ने यूक्रेन से छात्रों को लाने के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये राशि यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को खाने पीने, ठहरने आदि पर खर्च किया जाएगा। टीके की सबसे ज्यादा खुराक देने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मियों को मिला सम्मान। बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से टीकाकरणकर्ता के रूप में उत्कृष्ट काम करने वाली देश भर की 5 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसमें तमिलनाडु के तिरुचिरपाली जिले के बीमानगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला वैक्सीनेटर थरानी पहले स्थान पर है। वहीं पटना के गुरु नानक भवन वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात माया यादव टीके की खुराक लगाने में थरानी के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहारवासियों को होली में घर आना जाना होगा मुश्किल। जल्द ही होली आने वाली है और होली में आने जाने वालों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि होली में बिहार लौटने वाले लोगों की संख्या बहुत रहती है और उन्हें ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे शहरों से जमालपुर आने वाली तकरीबन सभी ट्रेनों में टिकटों की प्रतीक्षा की सूची लंबी है। पर त्यौहार पर सभी घर आते हैं और स्वजनों के साथ घर पर पर्व मनाते हैं। इस बार भी होली पर लोग घर लौटने वाले हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण परेशान है। बहुत से लोग पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक करवा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक टिकट बुक नहीं करवाया है उनकी परेशानी बढ़ गई है। कई लोग स्पेशल ट्रेन चलने का इंतजार भी कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने जारी की 10वीं क्लास की आंसर की। बिहार बोर्ड ने बीते दिन 10वीं क्लास की आंसर की को जारी कर दिया है। बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक को एक्टिवेट भी कर दिया, जिसके तहत अब जिन भी उम्मीदवारों ने इस बार की परीक्षा दी है वो ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। आपको बता दें कि इसका PDF फॉर्मेट अपलोड किया गया है। अगर छात्रों को आंसर की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो वो आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लूना सोसाइटी ने दिया सम्मान। साल 2020 में सबको अलविदा कहकर दुनिया को अलविदा कहने वाले सुशांत सिंह राजपूत का अंतरिक्ष प्रेम आपसे भी नहीं छुपा होगा। ये उनका अंतरिक्ष प्रेम ही था जिसके कारण उन्होंने चांद पर अपने लिए जमीन खरीदी थी। वहीं अब चांद पर जमीन की बुकिंग करने वाले लूना सोसाइटी ने सुशांत सिंह के इस अंतरिक्ष प्रेम को देखते हुए बड़ी घोषणा की है, जो कि SSR के फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। लूना सोसाइटी ने सुशांत के सम्मान में अगले साल उनके जन्मदिन को सुशांत मून डे घोषित किया है। इसकी घोषणा लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने अपने ऑफिशियल साइट पर की है। बता दें कि सुशांत का बर्थडे 21 जनवरी को है। 6 दिनों में बिहार में पड़ेगी प्रचंड गर्मी।
बिहार में गर्मी का सितम अभी से ही देखने को मिल रहा है। अगले 6 दिनों में बिहार में प्रचंड गर्मी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक की बढ़त होने का अनुमान है। मौजूदा समय में राज्य का अधिकतम तापमान 31 डिग्री है, जल्द इसके 36 डिग्री के पार होने का अनुमान है। मौसम शुष्क रहने और आसमान के साफ होने से गर्मी का प्रभाव काफी अधिक दिखाई पड़ेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने गर्मी के प्रभाव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक प्रभावी है। बिहार के 9 लाख किसानों को हुआ नुकसान। बिहार के 9 लाख किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी जानकारी खुद राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के लगभग 9 लाख किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ नहीं मिल रहा। इस अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को अद्यतन रसीद दिखानी होती है, जिसके बाद ही अब इस बार 9 लाख किसानों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने पुरानी रसीद दिखाई है, जबकि लाभ सिर्फ अद्यतन 3 सालों की रसीद देने वालों को ही मिलती है। जिसकी जानकारी विधान परिषद में रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। बिहार की बेटी बनाती है राजधानी एक्सप्रेस पर मिथिला पेंटिंग। राजधानी एक्सप्रेस की बोगियों पर बनी मिथिला पेंटिंग आपने भी जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि बिहार की ये मशहूर पेंटिंग आखिर ट्रेनों पर बनाता कौन है? आज हम आपको बिहार की उसी पहचान के बारे में बताने वाले हैं। 2017 में जब सिन्नी सोशा ट्रेन की बोगियों पर अपनी इस कल्पना को उकेरा करती थी, तब वो मात्र 23 साल की थी। आज फाइन आर्ट्स की वो दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। उनका 3 स्टूडियो भी है। हर महीने वो 3 लाख रुपए सैलरी और किराए देती हैं। यही नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों को वो रोजगार भी दे रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक में उनकी पेंटिंग्स और प्रोडक्ट्स की डिमांड है। राजस्थान से आई टीम ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी मॉडल की आलोचनाएं भले ही एक वर्ग ने की हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की इस योजना के मुरीद अन्य राज्य जरूर हो रहे हैं। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी की क्या अपडेट है क्या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करने बीते दिन ही राजस्थान की टीम बिहार पहुंची थी, जहां पर टीम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम से मिलने के बाद बाहर निकलकर पूजा भारती छाबड़ा ने कहा कि महिला दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून लागू करने से किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। सीएम ने उनसे कहा है कि दूसरे राज्यों की सरकार जिस तरह से शराबबंदी को लेकर राजस्व का रोना रोती है, वो बिल्कुल गलत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की नई डेट जल्द होगी जारी। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 17 दिसंबर 2021 को जारी संभावित परीक्षा कैलेंडर 2021 को जारी की गई थी, जिसमें कैलेंडर 2021-22 के अनुसार एसएससी की नई जीडी कांस्टेबल भर्ती 22 फरवरी 2022 से शुरू होनी थी, लेकिन तारीख निकलने के करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, जिसके बाद अब उम्मीद है कि एसएससी की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जल्द ही इसको लेकर कोई अपडेट जारी की जा सकती है। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स NIA, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके लिए पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, बाद में परीक्षा डेट घोषित की जाती है। बिहार की 2 महिलाओं को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बीते दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार मिलने पर मिथिला की प्रसिद्ध सिक्की कला की कलाकार श्रीमती मीरा ठाकुर जी और भोजपुर की सोशल एंटरप्रेन्योर श्रीमती अनिता गुप्ता जी को काफी ज्यादा सराहना मिल रही है। उन्हें वुमेन्स डे के मौके पर सम्मानित किया गया है, जिसकी जानकारी संजय कुमार झा ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन महिला दिवस के मौके पर बिहार की भी कई महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का काम किया गया है। अब बिहार के सैटेलाइट तस्वीरों से होगी खनन और पराली जलाने की निगरानी। बिहार सरकार हर दिन के साथ हाईटेक होती जा रही है। यही कारण है कि बिहार सरकार एक के बाद एक क्षेत्र में हाईटेक होने का काम कर रही है। पहले शराबबंदी पर हाईटेक अंदाज में नकेल कसने के बाद बिहार में रिमोट सेंसिंग तकनीक और सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से अवैध खनन और पराली जलाने पर नजर रखने की शुरुआत होने वाली है। बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर को अपग्रेड कर यहां 11 हाई एंड वर्क स्टेशन बनाया जा रहा है, जहां अद्यतन उपकरणों के माध्यम से सैटेलाइट का सहारा लेकर हर समय जरूरी जियो इन्फॉर्मेशन जुटाई जा सकेगी। यहां कुशल वैज्ञानिकों की टीम शोध कर केंद्र राज्य सरकार के कई विभागों और अन्य संस्थानों को उनकी जरूरत के अनुसार आंकड़े उपलब्ध करवाएगी। इस केंद्र द्वारा संबंधित विभाग ये जान सकेगा कि किन इलाकों में अवैध खनन किया जा रहा है।
सारण के चिरांद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चिरांद ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल इन दोनों कालों का जीता जागता गवाह है, जहां खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के प्रमाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। साल 1962 से 1963 में प्रोफेसर बीपी सिन्हा द्वारा स्थल का उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इसकी कार्बन तारीख ईसा पूर्व 4900 ज्ञात हुई है। बिहार के 14 राजकीय विद्यालयों में नए प्राचार्य की होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने राज्य के 14 राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य के पद वित्तीय अधिकार के साथ प्लस टू व्याख्याताओं की नियुक्ति की है। इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार की तरफ से जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उसी विद्यालय के प्लस टू व्याख्याता डॉक्टर आशुतोष कुमार को पद स्थापित किया गया है। पटना सिटी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्लस टू व्याख्याता वीरेंद्र कुमार को गुलजारबाग राजकीय उच्च विद्यालय भेजा गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने गैर जमानती वारंट जारी होने पर तोड़ी अपनी चुप्पी। बिहार से निकली अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। इस बीच एक बार फिर से उनकी चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि ये चर्चा इस बार उनकी एक विवाद में फंसने के कारण हुई थी। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी किया गया है। हालांकि अब तक इस मुद्दे पर सोनाक्षी चुप थी, लेकिन अब उन्होंने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत इन्होंने इस मामले को लेकर बीते दिन साफ किया है कि कुछ दिनों से बिना किसी पुष्टि के मेरे खिलाफ मीडिया में गैर जमानती वारंट जारी होने की खबरें चल रही हैं। ये खबर पूरी तरह से बनाई हुई और मुझे फंसाया जा रहा है। ये किसी तुच्छ इंसान का काम है, जिसकी कोशिश मुझे परेशान करने की है। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूँ कि इस फर्जी खबर को ना फैलाएं, क्योंकि मेरे खिलाफ इस तरह की खबरें फैलाने वाला शख्स सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहा है। राष्ट्रपति बनाने की मांग के बीच अब सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की उठी मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए कई काम किए हैं, लेकिन अपने इस काम के लिए सीएम नीतीश ने खुद तो कभी तारीफों के पुल नहीं बांधे, लेकिन उनके लिए बिहार में आवाजें जरूर उठाई गई हैं, जिसके तहत ही पहले तो उन्हें राष्ट्रपति बनाने की मांग उठाई जा रही थी। वहीं अब सुशासन बाबू को सर्वोच्च सम्मान देने की मांग की गई है, जिसकी मांग खुद लेसी सिंह ने की है। बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि बिहार में महिला उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश कुमार ने पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय में जितना काम किया है, उसके लिए वो भारत रत्न पाने के हकदार हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और नारी उत्थान कार्यक्रम चलाकर महिलाओं में मौन क्रांति का संचार करने के लिए मुख्यमंत्री को ये सम्मान दिया जाना चाहिए। कोरोना में अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने का विधान परिषद ने उठा मामला। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कारण था कि मरीजों का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा था, जिसके कारण कई लोगों की जान भी गई। क्योंकि जानकार भी मानते हैं कि कई मरीजों की जान बच जाती है अगर सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता, जिसका मामला बीते दिन विधान परिषद में भी उठा। मंगलवार को बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान राजद एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने यह मामला उठाया। पूर्वे ने इस मामले को उठाते हुए बताया कि मध्य प्रक्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल मगध मेडिकल कॉलेज गया में 1000 छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए हैं, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। महिला दिवस पर मांझी की समधन ज्योति देवी बनी एक दिन की स्पीकर। बीते दिन महिला दिवस के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को खास फील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पहले तो सभी महिलाओं को उद्यान पार्क वगैरह में घूमने की खुली छूट दी गई। वहीं महिला दिवस पर विधानसभा की कार्यवाही महिलाओं के नाम रही। इस दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होने से लेकर समापन तक महिलाओं को वरीयता दी गई। इस दौरान ही सदन की दूसरी पाली में बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हम की विधायक ज्योति देवी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ज्योति देवी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन है। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव होने तक जीतन राम मांझी भी प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू ने 11 सीटों के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार में जल्द ही विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, जिसका ऐलान चुनाव आयोग ने हाल ही में किया था। वहीं अब एक एक करके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिसके तहत ही जदयू ने बीते दिन अपने 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। जिसके तहत ही जदयू ने पटना से वाल्मीकि सिंह, नालंदा से रीना देवी, गया से मनोरमा देवी, नवादा से सलमान राघव, भोजपुर से राधा चरण शाह, पश्चिम चंपारण से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से दिनेश प्रसाद सिंह, सीतामढ़ी से रेखा कुमारी, मुंगेर से संजय प्रसाद, भागलपुर से विजय कुमार सिंह और मधुबनी से विनोद कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी पूरी सूची जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी की है। उत्तर प्रदेश चुनाव पर बोले चिराग। उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों में
उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और 10 मार्च को रिजल्ट भी आने वाला है। इसको लेकर अब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान दिल्ली से भी पटना लौटे हैं, जहां पहुंचते उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि 7वें चरण में मतदान हुआ तो लोगों ने सोच समझ कर अपने मत का प्रयोग किया है। ये उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बने जनता के हित की सरकार बने, जनता की भावनाओं को समझे। चिराग ने कहा, एग्जिट पोल पर ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, भाजपा जीते या कोई भी दल जीते, वहां पर जनता की भावनाओं को समझने वाली सरकार चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी की इस योजना से बड़ी संख्या में युवाओं को मिलेगा रोजगार। सूचना एवं प्रौद्योगिकी और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने युवाओं को रोजगार देने के मामले में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वाणी प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम योजना से बिहार के खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा मिलना और आसान हो जाएगा। इस योजना से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें, इस योजना के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट डाटा द्वारा एक आय स्रोत भी मुहैया करा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति पब्लिक डेटा ऑफिस बनकर ब्रॉडबैंड कनेक्शन द्वारा छोटे छोटे पैक बनाकर जैसे 10 रुपए का 10 मिनट तक 2 डेटा बेच सकता है, जिससे उन्हें निश्चित आय होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अर्थशास्त्र पर एडम स्मिथ की मशहूर पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का 1776 में प्रकाशन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का 1994 में निधन हुआ। भारतीय मूल के ब्रिटिश आधारित दिग्गज उद्योगपति स्वराज पॉल का 1999 में सेंट्रल बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों को भेदभाव वाले प्रवासी नियमों पर 2007 में कानूनी कामयाबी मिली। गोवा के राज्यपाल एससी जमीर ने 2008 में महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। भारतीय लेखक शशि थरूर का 1956 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पार्थिव पटेल का 1985 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का 1994 में निधन आज ही के दिन हुआ था। आर अश्विन अगले कपिलपाजी बनने के लिए करते थे ये काम। कपिल देव के 434वें टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुलासा किया है कि शुरुआत में वो भी एक बल्लेबाज बनना चाहते थे और जब वो छोटे थे तो अगले कपिलपाजी बनने के लिए वो मीडियम गति से गेंदबाजी किया करते थे। अश्विन भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज ऑलराउंडर और पहले वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही यह कारनामा किया था, जो कि उनके करियर का 85वां मैच था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, आजमा फिरदौस, बबीता यादव, मनीष मोहरा, गौतम कुमार, पंकज कुमार दास, सिमरन परवीर, अनिल पासवान, गौतम कुमार, राजीव कुमार, मनोज कुमार, टुनटुन यादव, बिरबल कुमार, अरविंद कुमार, मनोज कुमार, विवेक राज, नंदिनी, रणधीर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम के किस कप्तान ने अब तक सबसे उत्कृष्ट खेल दिखाया है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।